हेलो दोस्तों, जय श्री राम। मैं आपका दोस्त आरजे सैंडी। तो आज हम जा रहे हैं एक नए व्लॉग की तरफ, जो है कर्नाटका में मुर्डेश्वर, जिसे बताया जा रहा है वह जो मंदिर है वह रामायण काल से भी पहले का है। तो हमारी सुबह की जर्नी शुरू हुई है, तो अब हम देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, अब हम जा रहे हैं कर्नाटका। तो अब ये गोवा के अंदर ही एक ब्रिज है। देखिए, ये आपको नदी दिख रही है, ये सीधा समुंदर के अंदर इसका संगम होता है। तो ये जाती है समुंदर के अंदर, और हमारे सामने एक ट्रक भाई साहब साइड दे दो प्लीज़। और उन्होंने हमारी सुन ली, हमारे को साइड दिया और हम यहाँ से निकल गए। वेरी तो सुबह बहुत ही सुहानी थी। हमने देखा सूर्यदेव को हमने किया नमस्कार। तो इसी के साथ हम आगे जा रहे हैं। सड़कें बहुत ही आरामदायक हैं और सूर्यदेव भी देखिए कितना खूब मुस्कुरा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं अभी, देखिए ये हरियाली और ये है कर्नाटका। अब हम आ गए हैं टोल पे। तो यहाँ हो गया एक इशू, हमारी गाड़ी को नहीं था फास्टैग, तो हमारी गाड़ी को रोक लिया गया। अगर हम कैश देते तो उसको हमारे को ज़्यादा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो अभी हम यहाँ फास्टैग लगवाएंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं मुर्डेश्वर। तो ये देखिए सामने बहुत भव्य बिल्डिंग दिख रही है आपको। ये 21 मंजिला इमारत है और इसके जस्ट पीछे शिव जी की बहुत ऊंची इमारत है, शिव जी की बनी हुई, जो समुंदर को घेरती हुई बीच में बनी हुई है। ये देखिए इसकी भव्यता। अभी इसका पेंट का काम चल रहा है। अभी हमने पूछा तो बोल रहा 2 साल तक इसका काम चलेगा। ये जो आप देख रहे हैं 10 और 20 रुपये, ये इस बिल्डिंग में जाने का एक तरह से टिकट लगाई गई है। ये लिफ्ट जाती है, आपको ऊपर तक लेके जाती है। ये आप देख रहे हैं, हमने मंदिर में प्रवेश कर लिया है। तो हमारे सामने अब ये देखिए, अब हम यहाँ हाथ पैर धो के सीधा मंदिर की तरफ चले जाएंगे। ये जो आप भोले बाबा की मूर्ति देख रहे हैं, ये मंदिर के पीछे है, पर अब हम जाएंगे शिवलिंग की तरफ। और ये देखिए पूरा तीनों तरफ घेरता हुआ एक समुंदर दिख रहा है। और ये मंदिर का एंट्रेंस मेन द्वार है। तो ये देखिए कितना सुंदर बनाया हुआ है, ये एक स्तंभ बनाया हुआ है। तो अपनी खूबसूरती को बखूबी निभाते हैं। यहाँ सभी लोग आते हैं, अंग्रेज भी आते हैं, इंडियंस भी आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। तो मैंने बता रहा था, ये आप देख सकते हैं यहाँ फ़ोटो लेना बहुत मनाही है, तो फिर भी हमने कोई एफर्ट से लगा के फ़ोटो लिया है। तो ये शिवलिंग जो हमने आपको दिखाया है, ये रामायण काल का शिवलिंग है। आप दूर से ही देख सकते हैं भोले बाबा अभी से हमारे को नज़र आ रहे हो। मंदिर बहुत ही सुंदर बना हुआ है। और ये देखिए भोले बाबा की तस्वीर जो पूरे सिल्वर कलर में है, और आपने बहुत बार अपने स्टेटस में कहीं देखी होगी। और अंदर से ये गोल्ड नहीं है, ये अपने गणेश जी का मूर्ति है। ये पूरा चांदी का वर्क है, बट जो आपको मंदिर में गोल्ड का दिख रहा है, बट वो गोल्ड नहीं है, वो गोल्ड कलर है। ये नंदी महाराज देखिए यहाँ विराजमान है, और यहाँ आपको प्रसाद भी मिलती है मंदिर की तरफ से ही। और ये अब हम मंदिर में जाएंगे, यहाँ आप अपनी अरदास भी कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स को लेकर। अब ये देखिए पूरा मंदिर आपको विजिट करवा रहे हैं। अब हम आए मुर्डेश्वर जी, ये रामायण काल का मंदिर है।
तो हमने भी टिकट कटवा लिया, अब हम भी जाएंगे लिफ्ट में। तो चलो चलते हैं, हमारा 2 नंबर वाली लिफ्ट है, तो अब हम लिफ्ट में बैठेंगे। ये आंटी देख रही है कुछ मोबाइल में, तो अब ये भैया ने दबा दिया। अरे भैया इतना ऊपर कहाँ लेके जाएगा, 18 माला दबा दिया, ये 11-15 माला हो गया। ये ताई को बहुत टेंशन हो रही है, ये सोच रही है अरे इतना ऊपर कहाँ जाएगा, भगवान के पास करे भाई। अभी हम आ गए, ये देखिए यहाँ से कुछ विंडोज़ लगा रखी हैं, यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। ये देखिए समुंदर आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा नज़ारा है समुंदर का। और ये कुछ तो एक्टिविटी कर रखी है, तो यहाँ बहुत से लोग आते हैं। वाओ क्या नज़ारा है समुंदर का, आप देख सकते हैं बहुत सुंदर नज़ारा है। ये नज़ारा सिर्फ ये मुर्डेश्वर ही मिलेगा आपको, मुर्डेश्वर आएंगे तो ऊपर आपको ये नज़ारा मिलेगा। What a